हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिनेमैन रिव्यूज़ पर। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा कल यानी कि 28 जनवरी को रिलीज़ हुआ नया कोरियन ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि हिंदी डब में भी रिलीज़ किया गया है। इसकी हिंदी डबिंग अच्छी है, टोटल 12 एपिसोड है इसमें, जो कि ऑलमोस्ट एक एक घंटे के हैं। तो अच्छा खासा टाइम मांगती है ये सीरीज आपसे। जो आपको इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शो को देना चाहिए या नहीं, उन्हीं डिटेल्स पर आगे बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लें पेरेंटल गाइडेंस की, तो सीरीज़ में आपको भरपूर ब्रूटैलिटी और खून खराबा देखने को मिलेगा। कुछ एक जगह गालियों का प्रयोग मिल जाएगा, लेकिन न्यूडिटी वगैरह नहीं है, तो चाहे तो आप इसे फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। अब बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी कोरिया के एक शहर के एक हाई स्कूल पर फोकस करती है, जहाँ पर ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है और उस स्कूल के बच्चे कैसे इसे सर्वाइव करते हैं, वही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ एक सब प्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं इसमें, इस मेन कहानी के अलावा, जो कि इस सीरीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिस कारण हम शुरुआत के एपिसोड से ही इस सीरीज़ के साथ जुड़ने लगते हैं। और साथ में ही जो कैरेक्टर्स हमें शुरुआत में दिखाए जाते हैं, खासकर वो स्कूल के बच्चे, जिस तरह से उनको डेवलप किया गया है, वो शुरुआत से ही हमें पसंद आने लगते हैं। लेकिन जो कैरेक्टर आपको अच्छे लगने लगते हैं, उनको उतनी ही जल्दी निपटा भी दिया जाता है। इसे देखकर आप थोड़ा शॉक भी होते हैं और आपको लगता है कि यार सारे मेन कैरेक्टर तो शुरुआत में ही निपटा रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा। लेकिन यही सीरीज की सबसे अच्छी बात है कि कोई भी कैरेक्टर इसमें मेन कैरेक्टर नहीं है, सब बराबर हैं। और दूसरी खास बात, जिस तरीके से इस सीरीज़ का ट्रीटमेंट किया गया है, वो कुछ फ्रेश सा फील देता है। बावजूद इसके कि अगर आपने ज़ॉम्बी आउटब्रेक वाली फिल्में और कहानियाँ बहुत देख रखी हैं, आपको ये सीरीज कुछ अलग सा फील होती है, क्योंकि जिस कारण से ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है, वो भी एक नया आइडिया लगता है। जो करंट सिचुएशन दुनिया की इस समय चल रही है, जिस पैंडमिक से हम गुजर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का इसमें अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण हमें एक जुड़ाव महसूस होता है इस सीरीज़ से। क्योंकि ये एक कोरियन ड्रामा है, तो इसमें आपको फैमिली वैल्यूज, इमोशनल वाला एंगल, वो भी आपको इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और जो स्कूल के बच्चे हैं, उनका उनके पेरेंट के साथ किस तरह का बॉन्डिंग है, वो सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये बस सीरीज़ की लेंथ बढ़ा रही हैं, जो कि कुछ लोगों को बोरियत महसूस करवा सकती है, जो इमोशनल ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बाकी सीरीज़ की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी खासी है, जिस कारण इसके VFX वगैरह और जो भी ज़ॉम्बी वाले सीन हैं, खासकर ज़ॉम्बी द्वारा लोगों को मारना और उनकी जो ब्रूटैलिटी है, उनको काफ़ी अच्छे ढंग से फिल्माया गया है। इन सीन्स के VFX एकदम बढ़िया हैं। सीधे तौर पर कहूँ तो शो की सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन दोनों ही बढ़िया हैं। तो ओवरऑल ऑल ऑफ अस डेड एक अच्छा वेल मेड ज़ॉम्बी शो है, जो आपका भरपूर मनोरंजन करता है। बस शो थोड़ा सा लेंथी है, जिस कारण आप बिंज वॉच करने में थोड़ा सा कतराते हैं। बाकी शो बढ़िया है, कुछ एक कमियों को इग्नोर कर दिया जाए तो शो एकदम परफेक्ट है, जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तो मैं तो इसको आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये शो। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय इस शो को लेकर। अगर आप पहले ही देख चुके हैं, तो आप मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर लेना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसके बगल में जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा देना। तो मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं सिनेमैन रिव्यूज़। मिलता हूँ अगले वीडियो में।